12 वर्षीय सोनू उछलते हुए घर आया और कहने लगा, पापा मेरी टीचर ने एक डांस क्लास का पता दिया है, उन्हें मेरा डांस बहुत पसंद आया है और वह कह रही हैं कि मैं एक अच्छा डांसर बन सकता हूँ, क्या आप मुझे उस डांस क्लास में भेजेंगे? यह सुनकर अंकुर बहुत खुश हो गया और वह कहने लगा, क्यों नहीं बेटा, जरूर, तुम्हें बड़े होकर जो बनना है तुम बन जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मैं आज ही तुम्हें डांस क्लास में लेकर चलता हूँ और बात कर लेता हूँ। वह अपने बेटे की उंगली पकड़कर बाहर जाने लगा तो अंकुर के बाबूजी गुस्से में बोले, बेटा यह तू क्या बकवास कर रहा है, हमारे खानदान में लोग या तो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, लेकिन तुम अपने बेटे को नचनिया बनाओगे क्या? अभी से उसकी आदतें बिगाड़ दोगे तो बड़े होकर वह यही सब करेगा। देखो बेटा, तुम हमारे खानदान की परंपरा नहीं तोड़ सकते, तुमने भी तो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। अंकुर खाली खाली आंखों से पिता की ओर देखते हुए बोला, क्यों बाबूजी, अगर मेरा बेटा डांस करने लगेगा तो इससे हमारे खानदान को क्या नुकसान होगा? अंकुर के बाबूजी गरजते हुए बोले, बस यही दिन देखना बाकी रह गया है क्या? तुम जो सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। फिर अंकुर ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, बाबूजी मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है, मुझ पर भी आपने ऐसे ही दबाव बनाया था और मेरे सारे सपनों को कुचल कर रख दिया था। जैसे मैं तड़प तड़प कर जिया हूँ वैसे मेरे बच्चे को नहीं जीने दूंगा, उसे डांस करने का शौक है तो वह डांस करने के लिए जरूर जाएगा और इसी को अपना करियर भी बनाएगा, मैं उसके साथ हूँ तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पेंटिंग सीखना है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन आपने जिद करके मुझे इंजीनियरिंग करवाई। अरे अगर आज मैं एक अच्छा पेंटर बन गया होता तो क्या मेरी जिंदगी नहीं चल रही होती? कहते हैं कि एक पिता ही अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचता है, तो फिर आप अपने बच्चों की खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं बाबूजी? यह सुनकर उसके बाबूजी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने मौन साध लिया। अंकुर अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे डांस क्लास में छोड़ने के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अंकुर ने अपने बेटे के सपने में उसका साथ देकर सही किया था या पिता का साथ ना देकर अपने पिता का अपमान किया था? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।